हाय फ्रेंड्स, आई एम कौसर एंड यू आर वाचिंग कौसर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है सोल दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। फ्रेंड्स, जैसे कि कल आपका पेपर है संडे में 26 मई को, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको आज दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि सभी सब्जेक्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा ना अपने फ्रेंड्स साथ, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा एंड और बच्चों को भी आप बताएं कि इस तरीके की वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो रही है तो आप जरूर और बच्चों को बताएं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, जैसे कि मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने आपको देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं उस दो वीडियोज में, दो पार्ट हैं उनमें। तो वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपने पहले से ही ट्यूशन कहीं ले रखा है या फिर आप क्लासेस आपने अटेंड किए हैं तो वहाँ पर आप इनको ईजिली कर पाएंगे। तो अगर नहीं भी करा है, ये क्वेश्चन मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी ज़्यादा मतलब जॉब वगैरह के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए हैं, है सभी के लिए बट उनके लिए ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें, और ये आपका क्वेश्चन है 2014 के पेपर में आ रखा है। प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, कोई कॉमोडिटी यानी कि कोई भी सामान है उसका प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है 10% इन द फर्स्ट ईयर में प्राइस क्या हो रहा है 10% से बढ़ रहा है एंड 20% इन द सेकेंड ईयर और 20% से सेकेंड ईयर में बढ़ रहा है। हाउ एवर इट डिक्लाइन बाय 24% यानी कि 40% जो क्या हुआ फिर वापस से 40% क्या हुआ थर्ड ईयर में वो प्राइस कम हो गया यानी कि डिक्लाइन हो गया। इंक्रीज कर रहा है 5% फोर्थ ईयर में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है 5% से। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज। आपको बताना है एवरेज इंक्रीज हो रहा है जो भी डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, एवरेज बताना है टोटल पे इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स यानी कि 4 ईयर के पीरियड में आपको एवरेज बताना है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है जो भी हुआ है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन आ रखे हैं, एक ये वाला है और एक वाला इंपॉर्टेंट ये वाला ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला 7 मार्क्स का। हियर द अप्रोक्सीमेट मेजर इज ज्योमेट्रिक मीन। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मेजर क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो कंपटीशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईयर लिख लेंगे, फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो रहा है, सेकंड ईयर इंक्रीज हो रहा है, थर्ड ईयर डिक्रीज हो रहा है एंड फोर्थ ईयर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो 4 ईयर है, कितने नंबर 4। हमारी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की कितनी, 10%, 20%, 40% एंड 5%। प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर टेकिंग प्रीसीडिंग ईयर इज 100। हमने क्या मान लिया, प्राइस जस्ट हमने 100 मान लिया, तो अगर मैं 100 का 10% निकालूंगी तो कितना आएगा 10। अगर मैंने 100 का निकाला 10% तो मेरे पास कितना आया 10। अब मैं 10 में प्लस कर दूँ 100 यानी कि 100 तो मेरी उसका प्राइस था, 100 में 10 और कर दूं तो कितना हो गया 110 यानी कि जो कॉमोडिटी मान के चलिए पेन पहले 100 में मिला था अब कितने में मिलेगा 110 में, तो ये हो गया 110। सेकंड में भी यही करना है मुझे, 20% बढ़ा है, 20% फिर प्राइस बढ़ गया तो मेरे क्या करना पड़ेगा 100 पे 20% निकालना, तो कितना हो जाएगा 20 ऐड हो जाएगा इसमें यानी कि 120 हो गया प्राइस। फिर 100 पे क्या हो गया 40% डिक्रीज हो गया, तो 100 पे में से मैं 40% यानी कि 100 का अगर मैं निकालूंगी इंटू 40% तो कितना निकल कर आएगा 40, तो 40 में इसमें से माइनस कर दूंगी। फिर प्लस हो रहा है 5% तो 5% का हम निकालेंगे यानी कि 100 का 5% कितना आएगा 5 को इसमें प्लस कर लेंगे तो 105। अब यहाँ पर जो लोग निकालना है यानी कि लोग की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जो कि फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला आपका है ये वाला, लोग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी नंबर को टाइप करना है, प्रेस करना है अंडर रूट को 19 टाइम्स, उसके बाद उसमें से -1 कर देना है। और ये वाला फॉर्मूला प्लीज़ वहाँ पर लिख के मत आइएगा नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट है, ये फॉर्मूला वहाँ पर मत लिख कर आइएगा। ठीक है, आपको वहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख कर आना है, क्लियर। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 22/76/95। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। एंटी लॉग निकालने का फॉर्मूला होता है, टाइप करना है नंबर को, डिवाइड करना है 22/76/95 से और उसमें प्लस कर देना है 1 और मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि जो इसका इनटू का यानी कि मल्टीप्लाई का साइन और इक्वल्स टू का साइन, प्रेस करना है 19 टाइम। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 1 का करके दिखा रही हूँ, बाकी का आप निकाल लीजिएगा, 110 है। ठीक है, मुझे इसका क्या निकालना है, लोग वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 19 टाइम्स मुझे प्रेस करना पड़ेगा अंडर रूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टाइम्स क्या माइनस करना है इसमें से 1 और इनटू इक्वल्स टू कब तक दबाना है इनटू कर देना है इसको 22/76/95 से। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है, लोग की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 2.0414। यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मान के 14 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर
फर्स्ट वाले का जैसे मैंने निकाला है कि कभी आप इस तरीके से सेम ही निकालना है, 120 का, 60 का, 105 का, ये लोग वैल्यू निकली आएगी। अब इस सबको ऐड कर लेंगे, ऐड यानी कि इनका सिग्मा मीन्स इन सबको प्लस कर लेना है। तो प्लस करने के बाद में इन सबको, इनका सबको जोड़ कितना आ रहा है, सिग्मा कितना आ रहा है, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का सिग्मा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7.9200। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जीएम निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एंटी लॉग इनटू सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा लॉग एक्स की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई थी 7.9200 अभी हमने निकाली है, और नंबर टोटल नंबर कितने 4 है, जिसके यहाँ पर दिए हुए नंबर कितने 4 हैं। तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो जब 7.9 को जब हम डिवाइड करेंगे, 7.92 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास क्या आएगा 1.980। जीरो लास्ट में आएगा नहीं पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मैंने ये बताया ही आपको यहाँ पर फॉर्मूला, तो इसका मुझे एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी जैसे 227695 से, और इसमें प्लस कर दूंगी 1, और इनटू इक्वल्स टू कब करना 90 टाइम्स तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टाइम्स तक मैंने क्या किया इसमें प्रेस किया। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं 95.49 को यहाँ पर इसको देखिए, इसके बाद में जस्ट बाद में कितना 7 है, 5 से ज़्यादा अगर होता है तो हम इसमें एक 1 ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9.550। ठीक है, 95.50 आपका आ गया। तो एवरेज डिक्रीज इन द प्राइस कितना होगा, टोटल हमने कितना माना था 100 में से 9.5 अगर हम लेस कर देंगे, अभी प्रेजेंट में ये निकल कर आ रहा है सब प्रोसेस करने के बाद में, तो हमारा कितना हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है 4.50% एवरेज डिक्रीज हो रहा है। तो ये था इजी क्वेश्चन, और अब आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ रखा है, 7 मार्क्स में। तो इसी देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है, ये 2014 में आ रखा है। 2013 का सेम क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना दी है, आप उसको भी वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, जो कि आपका देखिए 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन ऑब्टेंड इन अ कोरिलेशन एनालिसिस बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ऑर्डर नॉट नोन आर गिवन बिलो। यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, 2x + 3y - 8 = 0, 2y + x - 5 = 0। इफ वेरियंस, अगर आपको वेरियंस ऑफ x दिया हुआ है 4, और यहाँ पर लिखा है फाइंड वेरियंस ऑफ y, आपको x का वेरियंस दिया है, आपको y का वेरियंस निकालना है। क्वेश्चन 8 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, इससे पहले वाला क्वेश्चन आपका होगा। यहाँ देखिए आपसे फॉर्मूले के लिए भी आ सकता है कि आपको फॉर्मूले बताने हैं, तो आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, फॉर्मूले बताएं, प्लीज़ थ्योरिकल क्वेश्चन को तो आप अच्छे से उनको करके ले जाइएगा, क्योंकि अभी चलिए मैं वो वाले क्वेश्चन का दूसरी वीडियो में बताऊंगी, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट इक्वेशन बी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, फर्स्ट वाले को हम मान लेते हैं y ऑन x, एंड सेकेंड इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। दो इक्वेशन होती हैं, एक x, एक होती है y ऑन x और एक होती है x ऑन y। तो यहाँ पर हम इसको निकालते हैं इस तरीके से, 2x + 3y - 8 = 0। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, 3y यहीं रखना है, ठीक है, 3y मुझे यहीं रखना है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, y ऑन x, ठीक है, y ऑन x निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को y ऑन x रखना है, तो इसके लिए मुझे y यहीं रखना पड़ेगा, x इधर ले आऊँगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ये माइनस का 8 इधर आ जाएगा प्लस का 8, और ये यहाँ पर क्या है, प्लस का 2x है, तो इधर आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, और यहाँ पर ये 3y, इसके साथ y क्या है मल्टीप्लाई में, 3 जो y के साथ मल्टीप्लाई में, यह आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू माइनस 2y 3x। तो रिग्रेशन y ऑन x, y ऑन x इस तरीके से लिख जाता है, पहले y और x, इसको पढ़ते हैं, रिग्रेशन y ऑन x, ये कितना निकल कर आएगा, माइनस का 2/3, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल जाती है। मैं पूरा यहाँ पर चैप्टर नहीं करा पाऊंगी, जैसे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आप इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके देखिए अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है माइनस का 2/3। अब मुझे दूसरी इक्वेशन में, जैसे कि हमने बोला था कि पहले इक्वेशन को हम मानेंगे x ऑन y, या दूसरी को मानेंगे y ऑन x, तो दूसरी को हमें करना है y ऑन x, सॉरी x ऑन y, दूसरी को हमें x ऑन y करना है, तो x यहाँ पर रखेंगे और y को इधर लेके चले जाएंगे। जो चीज़ माइनस प्लस में, यहाँ पर माइनस में है 5, तो इधर आ जाएगा प्लस में, ये 2y यहाँ प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में। अब हम क्या करेंगे, जो आपका
बी यानी कि रिग्रेशन एक्स ऑन वाई कितना है, माइनस का टू, जो वाई के साथ होता है वो माइनस का टू होता है रिग्रेशन वाई एक्स ऑन वाई, और जो यहाँ पर होता है इसके साथ एक्स के साथ वो इसका वाई का होता है, ठीक है, ये निकल कर आ गया। तो अगर मैं इसको करती हूँ वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन वाई ऑन एक्स को मल्टीप्लाई करती हूँ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई के साथ, तो मेरा क्या आता निकल के माइनस टू बाई थ्री इंटू माइनस के टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो टू मेरा टू से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, टू टू जो फोर, और ये क्या जाएगा थ्री। तो अगर मैं इसको फोर को थ्री से डिवाइड करूँ, फोर को अगर मैंने क्या किया थ्री से डिवाइड किया कितना आएगा 1.33। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू वन, या तो वन होगा या तो उससे वन से कम होगा, कभी भी वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है 1.33 आ रहा, तो ये क्या है गलत है। अब हमें दूसरे तरीके से लेना है, द फर्स्ट इक्वेशन इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, पहले हमने वाई ऑन एक्स लिया था, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे एक्स ऑन वाई लेंगे और सेकेंड इक्वेशन को वाई ऑन एक्स लेंगे। प्रोसेस सेम रहेगा जैसे कि यहाँ पर है, पहले वाले में हम क्या करना, अब लेना एक्स ऑन वाई, पहले हमने लिया था वाई ऑन एक्स, तो एक्स यहाँ रखा, बाकी सब चीज़ इधर लेके चले गए, तो एक्स की वैल्यू थ्री बाय टू आ जाएगा, तो ये निकल कर आएगा एक्स ऑन वाई निकल कर आएगा माइनस का थ्री बाय टू, माइनस का थ्री बाय टू। और जब इसको करेंगे तो यहाँ पर वाई रखेंगे, मीन्स यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करनी है, अभी मैंने आपको बताई ऊपर टू वाई इक्वल टू में माइनस का एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा फाइव प्लस का फाइव, और वाई इक्वल टू में माइनस के वन अपॉन टू। तो जो मेरा निकल कर आएगा रिग्रेशन वाई ऑन एक्स कितना निकल कर आएगा, माइनस का वन अपॉइंट टू, यानी कि रिग्रेशन वाई ऑन एक्स इक्वल्स टू निकल कर आएगा माइनस का वन बाय टू। तो यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है, ये रिग्रेशन एक्स ऑन वाई माइनस का थ्री बाय टू है, और ये कितना है माइनस का वन बाय टू है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगी, यहाँ पर मैं क्या करूँगी इनको मल्टीप्लाई करूँगी, आर निकालने का फॉर्मूला होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करना, अंडर रूट करके देखेंगे, ठीक है, अंडर रूट करेंगे तो बी एक्स वाई यानी कि एक्स ऑन वाई इंटू बी वाई ऑन एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट माइनस थ्री बाय टू इंटू माइनस वन बाय टू। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर का जब हम निकालेंगे थ्री डिवाइड बाय फोर करके जब मैं इसका निकालूंगी स्क्वायर रूट तो किस निकल कर आएगा 0.86। अब ये क्या वन से कम है अप्रोक्सीमेट, तो सिंस बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नेगेटिव, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव है, क्योंकि वैल्यू किस में निकल कर आ रही है नेगेटिव में निकल कर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, वेरियंस ऑफ एक्स हमें कितना दिया था फोर है, गिवन है हमें वेरियंस ऑफ एक्स कितना है फोर है, हमें निकालना है वाई का वेरियंस। तो यहाँ पर है कि स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हम बोलते हैं ये वाला जो साइन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हम वेरिएंस का अंडर रूट कर दें, यानी कि वेरिएंस को अंडर रूट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास टू, ये हमारे क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वेरिएंस यानी कि एक्स के वेरिएंस को क्या कर देना अंडर रूट कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकल आएगा, ये निकल कर आ गया हमारे पास। अगर मुझे निकालना होता है रिग्रेशन एक्स वाई, ठीक है, रिग्रेशन एक्स ऑन वाई, ये निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर यानी कि रिग्रेशन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स तो मेरे पास निकल कर आ गया, रिग्रेशन हमने निकाल लिया है और हमारे पास रिग्रेशन एक्स ऑन वाई हमारे पास यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास किधर यहाँ पर है बी एक्स इनकी आपका रिग्रेशन एक्स ऑन वाई कितना है थ्री बाय टू माइनस का थ्री बाय टू, यहाँ पर रख दिया इक्वल्स टू में आर हमारा कितना निकल कर आ रहा है माइनस 0.866 एंड हमारे पास ये कितना है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का टू, हमें निकालना है वाई का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये चीज़ टू है इसको ना यहाँ पर जो ये चीज़ मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे, या फिर एक काम करना है हमें थीटा यहाँ पर रखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला जो है इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। और ये चीज़ें बता देती हूँ उसको करके, ये माइनस का थ्री, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस 0.866 टू बाय थीटा वाई इक्वल्स टू माइनस के थ्री बाय टू, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या माइनस से माइनस इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे क्या हो जाएगा थ्री बाय टू यहाँ पर है आपका
सॉरी माइनस 0.866 यहीं रखेंगे, और जो चीज़ यहाँ पर है ये डिवाइड में है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आ जाएगा, इसको यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 के साथ में, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है वो इसको इधर लेके चल जाऊँगी मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई यहाँ आ जाएगा, और जो चीज़ यहाँ पर ये है ये वाली, ये चीज़ जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो तो आ जाएगी यहाँ डिवाइड में, और जो चीज़ डिवाइड में है वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर करके दिखाई है। ये चीज़ें यहाँ पर ये प्लस में जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, ये 0.886 इंटू जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है सॉरी डिवाइड में है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी 2 के साथ में, और जो ये चीज़ है वो इधर चली जाएगी, और यहाँ जो चीज़ यहाँ पर है मल्टीप्लाई में दे जाएगी डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से करके हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, इन सबको मल्टीप्लाई करके इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये निकल कर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकल कर आ जाएगा हमारा 1.155। उसके बाद में वेरियंस ऑफ वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जब मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका वेरियंस का मैं अगर अंडर रूट करूँगी तो इसका क्या करना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ, इसका स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेरियंस ऑफ वाई निकल कर आ जाएगा जो है 1.33। ठीक है अप्रोक्सीमेट। तो फ्रेंड्स ये था आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो बनाने की। कल आपका पेपर है 3 बजे से, अगर कोई भी कमेंट है कोई भी आपके डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ से भी मैं सभी बच्चों के डाउट जो भी हैं वो बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, एंड वैसे भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।